तो आए दोस्तों, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम का जो खेल है उसको खत्म कर लेते हैं। यानी कि इसके दो या तीन क्वेश्चंस बनते हैं आपके रेलवे एग्जाम या एसएससी एग्जाम में नंबर सिस्टम के, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको क्वेश्चंस पूछा जाए कि 45 का आपको डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना है, तो वो किस प्रकार करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम इस संख्या को देख लेते हैं। ये हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि 45, 10, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के हमें दो दे दिया, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे? तो दोस्तों, बाइनरी का जो बेस होता है दो, यानी कि बाइनरी की संख्या की जो लिमिट होती है वो शून्य से लेके एक, यानी कुल कितनी संख्या यहाँ पर दो है, तो इसकी जो आधार या बेस है वो दो लिख दिया, समझ में आया। अब जो डेसिमल होता है इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, समझ में आया। इसकी जो लिमिट होती है शून्य से लेके 9 तक होती है, कुल मिलाकर कितने अंक हुए? 10 अंक हुए। तो यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रख के क्वेश्चंस को हल करना है। अब हमें इस क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि 45 का 45 है उसको जो डेसिमल नंबर है उसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। ये किसका आधार होता है? बाइनरी का आधार होता है, और बाइनरी संख्या को हमें यहाँ लाना है। तो क्या करना है कि जो ये 45 है ना, इसको वैसा का वैसा एक बार लिख दो आप यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, 45 में हम किसका भाग देंगे? दो का भाग देंगे डेसिमल में बदलने के लिए। क्यों देंगे? क्योंकि बाइनरी है उसका जो आधार है वो दो होता है, तो दो का भाग देख लेते हैं। तो बाय दुना 44 होता है, शेष कितना बचता है? एक, तो एक जो बचता है वो यहाँ पर लिख देंगे हम। फिर दो का भाग देंगे तो 11 दुना 22, तो 11 को हम यहाँ लिख देंगे, और शेष जो होगा दोस्तों आपका शेष वो कितना बचता है? जीरो बचता है, तो जीरो को हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर से दो का भाग देंगे, और ये दो का भाग तब तक देंगे दोस्तों हम जब तक नीचे एक ना बच जाए या जीरो ना बच जाए। तो ये कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर दो का भाग देते हैं 5 दुनी 10, तो कितना बचता है? शेष एक बच जाता है। फिर दो का भाग देते हैं तो 2 दुनी 4, कितना बचता है नीचे? शेष कितना बचता है? एक। फिर दो का भाग देते हैं 2 एकम 2, शेष कितना बचता है? 0। ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि नीचे से लेके ऊपर तक परिणाम में हमें लिख देना है, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा लिखना है। तो सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी साथ में लेना है। तो एक, फिर शून्य, फिर एक, फिर एक, फिर शून्य, फिर एक, यानी कि आप यहां पर क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 0 1, यही आपका डेसिमल टू बाइनरी आंसर होगा। हाँ दोस्तों, ये आपका डेसिमल टू बाइनरी आंसर होगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में इसी तरीके का यूज करके देख लेते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे सेकेंड एग्जाम्पल में हमें इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपके लिए कोई संख्या 92 दी हुई है, जैसे मान लो 92, और इसे हमें किस में बदलना है? इसे हमें बदलना है डेसिमल आधार इसका, और बाइनरी में इसे चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए किसका भाग देंगे हम? 2 का भाग देंगे। तो 2 को भाग देखो, 2 का भाग देखते हैं हम, तो यह आता है आपका 46, और शेष कितना बनता है आपका? यहाँ पर शून्य बचता है, तो शेष हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? फिर से 2 का भाग देना है, तो 23 दुना 46, शून्य शेष कितना बचता है? ये भी शून्य बचता है। फिर 2 का भाग देना है तो 11 दुनी 22, शेष कितना बचता है? एक बचता है, तो शेष हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर से 2 का भाग देना है, 5 दुनी 10, शेष कितना बचता है? एक बचता है, तो वो एक हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 का भाग देना है, 2 दुनी 4, शेष कितना बचता है? एक, तो एक हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 का भाग देना है, 2 एकम 2, शेष कितना बचता है? शून्य, लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा आंसर होगा, यानी कि 1 0 1 1 1, सॉरी ये कॉमा नहीं लगानी है आपको, 1 1 1, और शून्य और शून्य, यही दोस्तों आपका डेसिमल टू बाइनरी आंसर होगा। इस तरीके का यूज आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं, जब आपको क्वेश्चंस में पूछा जाए कि डेसिमल टू बाइनरी, तो यही ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल, इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार हम हल करते हैं, तो उस ट्रिक को मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखना ना भूलें, अनुभवी त्रिवी को। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज यार इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज को जरूर लाइक करें, और मिलेंगे हम इसी प्रकार के नोटिस वेकेशन में। और दोस्तों, अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, एक वेबसाइट का नाम दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। वहां पर आपको दोस्तों
पीडीएफ में मिलेगी। और अगर आप लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन यानी ऐसे ही वीडियोस लेते आऊँगा। तब तक के लिए बाय, एंड देखना ना भूले मेरे चैनल अनुभवित रवि को।